गाइस, आज हम बात करेंगे इन दोनों लैंप्स की। दोनों ही टेबल लैंप है, और ये फिलिप्स का है और ये अमेजोन बेसिक्स का है। तो इस वीडियो में दोनों को कंपैरिजन करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने इनकी अनबॉक्सिंग देखनी तो उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। और उससे और ये जो फिलिप्स वाला ये वायर्ड है, और इसकी प्राइस अमेजोन वाले से अराउंड 250 रुपीज़ कम है। तो ये कंपेरिजन में आपको ये बताऊंगा कि दोनों के प्रोज और कॉन्स, क्योंकि मैं इनको काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेजोन की। ये अमेजोन का बेस काफ़ी भारी है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। इसके फिलिप्स के बेस से काफ़ी ज़्यादा भारी है। उसके बाद जो इसकी ये चीज़ है ना, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार देख लीजिए, ये काफ़ी अनस्टेबल सा है और ये टूट सकता है। और बाकी इसकी जो ये क्वालिटी है, काफ़ी बढ़िया है। ये रिंग वाली की लाइट भी ठीक ठाक है, लेकिन जो इसका ये एडजस्टर है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया लगी। इसके आवाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। देख लीजिए, इसको हल्का सा भी अगर मैं ऊपर नीचे करूँगा तो इसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, जो कि बिल्कुल बढ़िया लगता है। और ये काफ़ी महंगा लैंप है अगर हम फिलिप्स के कंपेरिजन में देखें तो। और बाकी इसमें जो एक बढ़िया बात है, वो है कि इसमें तीन मोड्स मिल जाते हैं हमें लाइट के। और इसमें लाइट को अगर हम लॉन्ग प्रेस करके रखें तो इसकी लाइट डिम भी हो जाती है। अभी आप देख लीजिए, पूरी डिम हो चुकी है। और अब हम बात करें फिलिप्स के लैंप की। तो जो फिलिप्स का लैंप है, इसकी मेरे को जो लुक का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, पूरा ऊपर नीचे पूरा ऐसे हो जाएगा। और अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जितना हमें खोलना है पूरा ऊपर तक भी चला जाएगा ये। और इसमें और जो सबसे बड़ी बात है, वो है कि इसमें फिलिप्स में हमें 5 वाट का एक ही लैम्प मिलता है, जबकि हमें इसमें अमेजोन वाले में 4.5 वाट के दो तरह के LEDs मिलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक वाइट LED है और एक येलो। अगर हम मोड 1 पे करेंगे तो सिर्फ येलो LED चलेंगी, मोड 2 पे सिर्फ वाइट चलेंगी, और मोड 3 थोड़ा ऑफ वाइट कलर में है, इसमें सारी चलेंगी। और ये ज़्यादा बढ़िया बात नहीं, क्योंकि अगर हम एक ही तरह की लाइट देखेंगे तो हमें फिलिप्स में ज़्यादा मिलेगी। और अब दोनों के ऑन ऑफ बटन की बात कर लेते हैं। जो फिलिप्स का ऑन ऑफ बटन है, वो यहाँ पीछे लगा हुआ है और ये काफ़ी ट्रेडिशनल पुराना सा है, जबकि जो अमेजोन बेसिक्स वाले में लैंप है, उसका टच बटन है, जो कि मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर देता है। और जो वायरलेस है, जो मेरे को एक चीज़ और अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि जैसे ही हम इसमें चार्जर कनेक्ट करेंगे अमेजोन वाली में, तो उसकी लाइट एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फुल चार्ज भी हमें वैसी लाइट देखने को नहीं मिलती। और जो सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कि फ़िलिप्स का है वो है मेड इन इंडिया, और अमेजोन बेसिक्स है मेड इन चाइना। तो एक तरह से हमारा विनर फिलिप्स पहले से बन चुका है। चाहे अमेजोन बेसिक्स जितना मर्जी बढ़िया हो, लेकिन हमेशा इंडियन चीज़ अगर मिल रही हो तो मैं कभी भी चाइनीज़ को प्रेफर नहीं करूँगा। और बाकी आप बताना आपको ये दोनों लैंप्स कैसे लगते हैं। बस इतना ही था इस वीडियो में, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मैं कोई पॉइंट कवर ना कर पाऊँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता देना। ओके गाइस, बाय। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और दोनों के अनबॉक्सिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बाय।